तो हमारे चैनल गाइस, आज की वीडियो हमारी दिशा इंडिया के शेयर पे है। आपको लोगों को पता होगा कि थर्सडे के दिन पर गाइस इस स्टॉक में ना बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी और ये 20% तक चढ़ा था। मैं पिछले 5 दिन का रिकॉर्ड भी निकालूँ तो आप देख सकते हैं 18% तक चढ़ा था, क्योंकि थोड़ी सी गिरावट इसमें देखने को मिली उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कम से कम 20% तक इसने अपर सर्किट लगाया था। गाइस कंपनी के शेयर अभी आप देख रहे हो 14,486 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं, और अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो आप ऑल टाइम हाई दे सकते हैं 15,444 रुपये हैं, एंड लो गाइस इसका 7,325 रुपये हैं। गाइस देखिए, ये शेयर मतलब थर्सडे को तो अपर सर्किट लगा था, एंड अगर मैं वेनसडे की बात करूँ पिछले बीते दिनों की, तो गाइस देखिए वेनसडे में भी कम से कम 2,461 रुपये से ऊपर कम से कम ये स्टॉक छोड़ा था, और ये नियर अबाउट आप कह सकते हो कि जब वेनसडे वाले दिन जब ये प्राइस बंद हुआ था इसका, तो 12,308 रुपये पे प्राइस बंद हुआ, 2,461 पे चढ़ा था। लेकिन वही गाइज अगर हम इस आज हम देख रहे हैं, देखिए 14,486 तक पहुंच गया जब इसका अपर सर्किट लगा। गाइज रीज़न क्या रहा? रीज़न गाइज देखिए, कंपनी के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उसके बाद आ रहा टैक्स के बाद में डबल मुनाफा इस कंपनी को हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। गाइस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के कारोबार में लगी कंपनी ने मतलब क्वार्टर वन के फाइनेंशियल 23 में ही इसने 7 करोड़ रुपए का पैट पोस्ट किया था। वहीं इस साल जून क्वार्टर में यह डबल होकर आप कह सकते हो कि 15 करोड़ रुपए हो गया था, एंड जितने भी कंपनी का रिवेन्यू पिछले वर्ष के क्वार्टर में 64 करोड़ रुपये से 41% तक बढ़कर 90 करोड़ रुपए हो गया है। सो गाइस देख रहे हैं 64 से 90 करोड़ रुपए हो गया, एंड ब्याज और जो उसका टैक्स होता है और जो डिप्रिसिएशन होता है, जितने भी परिशोधन जितने भी प्रोविजंस होते हैं, उसकी पहली कमाई मतलब ईबीटा मार्जिन भी 14% से बढ़कर 20% हो गया है। गाइस रिजल्ट अच्छे आए ना, तभी तो अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। गाइस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अब तक कंपनी का जो शेयर है कि कीमती में कम से कम नियर अबाउट अगर मैं देखूं मतलब एक 23-24 तक में, देखिए अगर हम साल भर का भी देखते हैं ना, साल भर का आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट 82% का उछाल आया है। देखिए इसकी तुलना में अगर S&P, BSE, सेंसेक्स इस अवधि के दौरान लगभग 12-15% तक चढ़े थे, ठीक है, एंड इससे भी ऊपर चढ़े हैं गाइस। कंपनी मॉडलिंग मशीनों के DISA ब्रांड, शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीनों के विल ब्रेटर ब्रांड, और अन्य जो नेचुरल कंट्रोल इक्विपमेंट्स के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। मतलब आपको पता चला काम क्या करते हैं, वो मोल्डिंग मशीन का मोल्डिंग एंड शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन, व्हील ब्रेटर ब्रांड, जितने भी कंट्रोलर इक्विपमेंट्स हैं जो इन सब चीज़ों में ये काम करती है। एंड गाइस आप देखो कि पिछले 5 साल के अंदर इसने 141% तक का रिटर्न दिया, और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो मैक्सिमम आप देख सकते हो कि कंपनी जब आई थी 1996 में आई थी 228 रुपये था। आप देखो 14,000 रुपये पर इसका प्राइस चल रहा है, कितनी बड़ी तेज़ी, मतलब जिसने भी इस टाइम पर ऐड तो उसने सोचो कितना अच्छा रिटर्न कमाया होगा। देखिए 6,000% तक कंपनी रिटर्न दे चुकी है, तो कितनी ऊँची ये बन चुकी है, कितनी ऊपर ये उठ चुकी है। आप इसका मार्केट कैपिटल भी देख सकते हो गाइस, ओपन हाई भी आप इसका देख कर चल सकते हो। मैं इतना ही बोलूँगी, देखिए 1 महीने में ये 42% तक चढ़ा, 6 महीने में आप देख सकते हो 86% तक देखने को मिला है इसका रिटर्न। सो गाइस अगर आप लोगों की भी इन्वेस्टमेंट है, इजीली इसमें इन्वेस्टमेंट होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म का मल्टीबैगर स्टॉक है, एंड अगर इसमें इन्वेस्टमेंट चाहते भी हो तो थोड़ी सी इसमें गिरावट होने देना। वैसे ऐसे स्टॉक्स में गिरावट आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर जब भी आए तो देख लेना, आप उसके अंदर अपनी एंट्री लेकर चल सकते हो। तो बाकी का इसका रिकमेंडेशन प्लस वीडियो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू।